हमारे पापा है ना, वो मतलब झूठा केस कर दिए हैं जो कि ये गलत है। नहीं वो झूठ है, मेरा रियल में एज 19 प्लस है, सर्टिफिकेट एज बस ऐसा है। क्योंकि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम बालिक अपने मर्जी से शादी के तो वो लोग क्या प्रॉब्लम है, जब मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है तो वो लोग कौन होते हैं बोलने वाले। शुभम कुशवा और सिरा सिंह का मामला फिर से एक बार प्रकाश में आया है और चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही शुभम कुशवाहा पिता अमरेंद्र कुशवाहा ने सिरा सिंह के साथ अपनी मर्जी से शादी रचाया था, जिसके उपरांत सिरा सिंह के बड़े पिता शिवशंकर सिंह ने मरंगा थाना में शुभम कुशवाहा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जो कांड संख्या 608/22 के तहत दायर भी की गई थी। तब मामले को लेकर गहमा गहमी बनी हुई थी, लेकिन तस्वीर तब साफ नजर आने लगी जब श्रेया सिंह ने खुद एसपी साहब से गुहार लगाने पहुंच गई और उन्होंने कबूल किया है कि मैं श्रेया सिंह पिता शिव शंकर सिंह शुभम कुशवाहा के साथ अपनी मर्जी से घर बसाया है और इस बात से किसी को एतराज भी नहीं है, ना ही मेरे माँ को और ना ही मेरे ससुराल वाले को। दिक्कत है तो मेरे बड़े पिता मनीष शंकर सिंह को, जिसने आज तक कभी मेरे या मेरे परिवार की सुध तक नहीं ली। गौरतलब है कि श्रेया सिंह के पिता शिव शंकर सिंह की मृत्यु 2006 में ही हो गई। तब से श्रेया सिंह की माने तो वो और उनकी माँ अपने हाल पर जीती आई हैं। पर जैसे ही उसने अपनी मर्जी से घर बसाया तो उसके बड़े पिता मनीष शंकर सिंह को यह बात कुछ हजम नहीं हुई और वो मेरे पति शुभम कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा दायर भी कर दिया। इतना ही नहीं, श्रेया सिंह ने मनीष शंकर सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे बड़े पिता जो आज तक बड़े पिता होने का फर्ज तक नहीं निभा पाए, अब मेरे और मेरी पति शुभम कुशवाहा के जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। श्रेया सिंह ने एसपी साहब से गुहार लगाते हुए कहा है कि मैं बालिक हूँ और मेरे बड़े पिता जो आयु थाना में दर्ज किए हैं वो गलत है, चाहे तो मेडिकल जांच करवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे पति के साथ कोई भी हादसा हो सकता है जिसका जिम्मेदार मेरे बड़े पिता मनीष शंकर सिंह होंगे। क्या करना है? ना बयान देने के लिए आया। क्या चीज का बयान? बीच में शादी की थी इसी वजह से, इसका ही बयान। क्या चीज का केस था, क्यों आया था? मेरे बड़े पापा है ना, वो मतलब झूठा केस कर दिए जो की ये गलत है। हम अपनी मर्जी से शादी की और हम बालिक भी हैं, वो बस क्या कहते हैं, वो सर्टिफिकेट एज मेरा 18 में है और रियल में मेरा 19 प्लस हो चुका है। तो आप यहाँ क्या करने आई? बयान देने के लिए आया हूँ। किसके पास? एसपी साहब के पास। सर्टिफिकेट में बोला जा रहा है कि आपका एज नहीं पूरा है? नहीं वो झूठ है, मेरा रियल में एज 19 प्लस है, सर्टिफिकेट एज बस ऐसा है। तो शादी अपने मन से किए थे? हाँ। किससे शादी किए थे, कब किए? सुबह से शादी किए थे 21 जून को। क्या नाम है आपको? श्रेया सिंह नाम है। कहाँ घर? वो पॉलिटेक्निक चौक रामनगर। अच्छा, ये कब का मामला, कब केस हुआ था, आप लोगों ने कब शादी की थी? 21 जून को हम लोग शादी किए थे। यही जो मेरे पापा लोग जो केस किए हैं ये फॉल्स है, ये सब झूठ है, वो कोई किडनैप नहीं किया है। अच्छा, क्या किस चीज़ का केस हुआ है आपको? यही कि हम नाबालिग हैं, पर हम बालिक हैं, नाबालिग नहीं है। आपने शादी की? हाँ। बालिक हैं आप? हाँ। कागजात हैं बालिक होने के आपके पास कुछ? नहीं वो तो नहीं है, वो सर्टिफिकेट एज मेरा 18 प्लस है, बट रियल एज मेरा 19 प्लस हो चुका है। सर्टिफिकेट एज 18 प्लस है आपका? हाँ। कब आपकी शादी हुई है? 21 जून को। 21 जून को किन से हुई है शादी? शुभम कुशवाहा से। शुभम कुशवाहा। अच्छा, क्या आपको ससुराल वाले की तरफ से कोई दबाव मिला है? नहीं, उन लोगों से तो मिले भी नहीं है और तो कुछ उसका उन लोगों का तो कुछ हाथ ही नहीं है इसमें। बस मेरे बड़े पापा लोग की फैमिली से हमको दबाव मिला, धमकी मिला कि मरवा देंगे और मतलब सबका नाम ले लेके जो अपराधी सब हैं यहाँ के मुख्य प्रमुख अपराधी लोग हैं उन लोग से हम लोग को धमकी दिलवाने का, ऐसे कि उससे मरवा देंगे उससे मरवा देंगे ये वो। या उन्होंने कोई केस दर्ज किया है? नहीं, मेरी मम्मी लोग तो केस दर्ज कुछ भी नहीं किया, उस लोगों को भी धमकी मिल रहा है। मेरी छोटी बहन है उसको भी धमकी मिला, मेरी मम्मी को भी धमकी मिला, मेरे सास ससुर और मेरे मतलब हस्बैंड को भी धमकी मिल रहा है कि मरवा देंगे किसी से। मतलब आपके घर वाले या ससुराल वाले की तरफ से अब तक कोई दबाव नहीं? नहीं नहीं, सिर्फ आपके बड़े पापा से दबाव है। क्या नाम है उनका? मनीष शंकर सिंह। आप अब क्या मांग करने के लिए आई हैं और इसके साथ के पास क्या बोल रहे हैं? लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम बालिक अपने मर्जी से शादी के तो वो लोग क्या प्रॉब्लम है, जब मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है तो वो लोग कौन होते हैं बोलने वाले। आज तक मुझे 1 रुपये का चॉकलेट तक नहीं दिया है वो बड़े पापा, और बोले कि हम लोग शुरू से उसको स्कूल पहुँचाते थे लाते थे, और तो और उस बार जब मीडिया में वो बोले तो वो बहुत कुछ बोल दिए कि हाँ मतलब हम मरवा देंगे उसको, यहाँ पे बुलाओ अगर मतलब माँ का दूध पिया तो यहाँ पे बुला दो, आप लोग वो वाला भी न्यूज़ देख सकते हैं उसमें भी वो बोले हुए थे। पिताजी इस बारे में कुछ बात हुई है आपकी, कुछ बोल रहे हैं? कौन? आपके पिताजी? नहीं, मेरे पिताजी नहीं है, माँ है। हाँ। परिचय बता दें सर, आप अपना? मेरा नाम श्रेया सिंह है।